respiration. Now, what happens in the process of respiration and how we breathe, how we respire and why we respire, we can study in this topic. So, as we breathe in, the air enters in our body. जब हम सांस लेते हैं तब एयर जो है हमारे बॉडी में एंटर करती है. अब ऐसा नहीं है कि जो ऑक्सीजन जो है वो ओनली ऑक्सीजन ही हम टेक इन कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं ऑक्सीजन को, बट हमारे एनवायरमेंट में वो मेनी ऑफ द गैसेस दे आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट. अब ऐसे नहीं कि स्पेशली हम जो है वो ऑक्सीजन को ब्रीथ कर रहे हैं, नो, जो एयर में जितनी भी जो गैसेस जो प्रेजेंट हैं दैट वी टेक इनसाइड अवर बॉडी इन द बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग. Now what happens in the process of respiration? First of all, these are the organs of respiratory system: nose, bronchus, windpipe, lungs and diaphragm. From the nose we take the oxygen, we take the air. Air se jab hamare nose air jo hai jab humne usko breathing ki, then the air goes into the windpipe and this process is called inhalation. इस process को intake of air जब हम air को अपने अंदर लेके जा रहे हैं, that process is called inhalation. उसको हम बोलते हैं inhalation. अब air जो है हमारे windpipe में गई, windpipe is also known as trachea. Now the air enters in the lungs. When the air enters in the lungs, जब air जो है हमारे lungs में गई, the air fills in the lungs. अब air जो है वो lungs में fill हो गई, the lungs will expand. Lungs जो है वो क्या हो जाएंगे, हमारे expand हो जाएंगे. Chest is क्या हो जाएगी, हमारी expand हो जाएगी. अब जब air लंग्स में जा रही है, वो एक्सपेंड हो जा रहे हैं, तो डायफ्राम जो है नेक्स्ट जो है वो हमारा डायफ्राम है. डायफ्राम जो है वो नीचे की साइड पुश होगा. एयर जो है जब हम ले रहे हैं तो एयर जो लंग्स जो है वो हमारे एक्सपेंड करेंगे. डायफ्राम पुशेस डाउनवर्ड व्हेन वी एक्सहेल. अब जब हम एक्सहेल कर रहे हैं, एक्सहेल मीन्स जब हम एयर को पास आउट कर रहे हैं फ्रॉम अवर नोज, तो डायफ्राम जो है वो ऊपर की साइड आ रहा है और हमारे लंग्स जो है वो नीचे की साइड. अब देखो लंग्स में क्या हुआ, यहां पे जो है एयर जो है वो फिल होगी. हेयर हेयर ये जो एयर जो है यहां पे हमारी फिल हो गई. नाउ जब यहां पे एयर फिल हो जाएगी, डायफ्राम जो है मूव्स डाउनवर्ड एंड लंग्स मूव्स अपवर्ड. ये एयर जो है फिल हो गई है व्हेन दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन. व्हेन वी एक्सहेल, अब जब हम एक्सहेल करेंगे, पास आउट करेंगे एयर को, अब डायफ्राम जो है वो अपवर्ड की डायरेक्शन में जाएगा और लंग्स जो है वो डाउनवर्ड की डायरेक्शन में जाएंगे, तो हमारी एयर जो है वो क्या हो जाएगी, पास आउट कर जाएगी फ्रॉम द विंड पाइप. यहां से वो वापिस जो है वो Not the air, but we take air inside the body and the oxygen which is present in our body, हमें जो है हमारी body को oxygen की जरूरत है. वो जो है वो हमारी body में cover करेगी through the blood. और जिस चीज की, जिस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, देर इज नो नीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे विंड पाइप के थ्रू जो है वो वापिस हमारे एनवायरमेंट में चल जाएगी. नाउ दिस वन, सबसे पहले हमने क्या किया, इनहेलेशन. इनहेलेशन मीन्स इनहेल किया एयर को. द एयर गोज टू द विंड पाइप, एयर जो है आप विंड पाइप में गई. नाउ द एयर देन एंटर्स इन द लंग्स. After that, from the windpipe, air enters in the lungs. Lungs में क्या होगा, lungs जो है expand हो जाएंगी. Expand होता है बड़ा होना,
लंग्स जो है वो एक्सपेंड हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा, लंग्स में जाके गैसेस का एक्सचेंज होगा, मीन्स हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है, वो थ्रू द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड दैट गोज इन अवर बॉडी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है हमारी बॉडी को, दैट इज रिलीज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड, आफ्टर दैट लंग्स कॉन्ट्रैक्ट। अब जब एयर ही नहीं है हमारे लंग्स में तो लंग्स क्या हो जाएंगे, अगेन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अब थ्रू विंड पाइप, यहां से विंड पाइप में गई, एंड आफ्टर दैट हेयर एक्सहेल, नोज से जाके वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल हो गई फ्रॉम अवर बॉडी। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन, अब हमारी बॉडी को रेस्पिरेशन की जरूरत क्या है, क्यों है जरूरत हमारी बॉडी को, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, द मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इज टू इनटेक और एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड, इनटेक द ऑक्सीजन एंड एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड, टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अब देखो हमारे एनवायरमेंट ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है, बट ऑक्सीजन के साथ साथ अदर गैसेस भी प्रेजेंट हैं। अब अदर गैसेस ऐसा तो नहीं है कि हमारा नोज ओनली ऑक्सीजन को ही लेगा, दैट टेक ऑल द गैसेस दैट आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट एंड इन एंड सप्लाई इट टू सेल्स। अब ऑक्सीजन की जरूरत हमारी बॉडी को है, ऑक्सीजन जो है वो ऑल सेल्स थ्रू द ब्लड, ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी पार्ट तक वो पहुंचेगी ऑक्सीजन, एंड टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी द कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है वो अगेन थ्रू द ब्लड वो लंग्स में आएगी, और लंग्स के थ्रू जो है वो हमारे नोज से हमारी बॉडी से वो पास आउट होगी।